मुनिश्री को प्रणाम, सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। मेरा प्रश्न जो योगेश जी और उत्तम जी ने प्रश्न किया है उससे मिलता जुलता है। हम लोग सब कहीं ना कहीं थोड़े भयभीत हैं आगे वाले भविष्य को देख के, और मुझे लगता है कि जो हमको यहाँ सिखाया जाता है बचपन से कुछ चीज़ें कि जैसे सर्वधर्म संभाव या हम बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, क्या इससे अब कुछ अलग शिक्षा देने की ज़रूरत आ पड़ी है? देखिए, सर्वधर्म संभाव या अहिंसा परमो धर्म ये तो शाश्वत बात है, इसे अपनाना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक पहचान। लेकिन इसके अर्थ को समझना चाहिए। सर्वधर्म समभाव का मतलब ये नहीं कि आप सब धर्म को एक मान लो। सर्वधर्म समभाव का मतलब है सब धर्मी समभाव से रहो। धर्म एक कैसे होगा? धर्म एक होता तो दुनिया एक हो जाती। सबका धर्म अलग अलग है, धर्म हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुरूप अपने धर्म के पालन का अधिकार है, उसको पालन करना चाहिए। लेकिन अपने धर्म को दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए और किसी के धर्म पर आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। धर्म के नाम पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यही सर्वधर्म समभाव का अर्थ है। धर्मी में समभाव हो, धर्मी सब मिलजुल करके एक हो, ये सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव का अर्थ अगर ये ले लिया सब धर्म एक है तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो गए। आपकी निष्ठाएँ कैसे होगी? हमारे धर्म को ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। हम सब धर्मों के साथ एक सुविचारित दर्शन है, उसकी एक प्रौढ़ पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर ये धर्म पल्लवित हुआ है, और अनंत काल से धर्म का वह प्रवाह हमारी संस्कृति में चला आ रहा है। और भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है, अनेकता में एकता। एक गुलदस्ते में अनेक फूल रखते हैं तो उसकी सुंदरता आती है। सब फूल का अपना मूल्य है, लेकिन हम सब फूल को एक नहीं मान सकते। फूल एक रह सकते हैं पर फूल अलग अलग है, और जब तक सब फूल की अलग अलग पहचान है तभी तक गुलदस्ते में जान है। तो हमें अपनी धार्मिक पहचान को खंडित नहीं होने देना चाहिए, और ये हमारी पीढ़ी को समझाना चाहिए। धर्मी में सद्भाव है, धर्म में नहीं। धर्म के नाम पर लड़ाई कतई उचित नहीं है, कोई धर्म ये सिखाता नहीं। हमारे यहाँ कहा गया, धर्मो यो बाधते धर्म न धर्म स कुधर्म तत्, धर्मा विरोधी यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। एक धर्म जो दूसरे धर्म को बाधित करता है वो धर्म नहीं, कुधर्म है। जो लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं और जो धर्म लड़ना सिखाता है वो धर्म ही नहीं, कुधर्म है। धर्मा विरोधी यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। सच्चा धर्म वही है जो दूसरे धर्म का अपमान न करे, दूसरे धर्मी का अपमान न करे। लेकिन मेरा धर्म मेरा है, मुझे अपने तरीके से धर्म पालन की आज़ादी है, और मैं उसे पाल सकता हूँ, मुझे पालना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस धर्म को स्वीकार किया है वो अपनी श्रद्धा से स्वीकारा है, अपने विवेक से स्वीकारा है, किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के स्वीकारा है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं, ये मेरे जीवन की आंतरिक निधि है जिसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। ये बात हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो सर्वधर्म समभाव का जो मूलभूत अर्थ है उसे ठीक तरीके से पहचानना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई आप पर आकर आक्रमण करे और आप मूक दर्शक बन करके रह जाएं। हमारे तीर्थंकरों ने अहिंसा को दो तरीके से व्याख्यायित किया, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। महाव्रत हम मुनियों के लिए, अनुव्रत आप गृहस्थों के लिए। हम मुनियों के ऊपर कोई हमारी हत्या करने के लिए भी आएगा और हम पे इतनी सामर्थ हो कि हम उसे फूंक दें और भस्म हो जाए तो भी हम प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुनि हैं और हम सर्वभूतात्मवाद के साथ जुड़ते, सर्वभूतात्म भावना के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, मुझे भेदा नहीं जा सकता, मुझे कुछ किया नहीं जा सकता। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, हम आत्मोपासक हैं। लेकिन आपके लिए ऐसा आदेश नहीं है। आपके लिए संकल्प पूर्वक हिंसा करने का निषेध है। अपने स्वार्थ के लिए इरादतन किसी को मारने का निषेध है। लेकिन आतताई आक्रमणकारी से अपने सत्य और अस्तित्व की, अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए यदि अस्त्र उठाना पड़े तो हिंसा नहीं, आपका धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण के लिए अस्त्र उठाया, वो हिंसा नहीं थी। रामचंद्र जी परम अहिंसा के उपासक थे, लेकिन उस समय वो अस्त्र उठाना उनका धर्म था। अगर वो उस समय अस्त्र नहीं उठाते तो अहिंसक नहीं, कायर कहलाते। क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं था, रावण को सबक सिखाकर आने वाली पीढ़ियों को, पीढ़ियों की सीताओं की रक्षा करने का था। पांडवों ने कौरवों के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये विरोधी हिंसा थी, ये उनकी मजबूरी थी। तो आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना आपका धर्म है। जब जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। अहिंसा के इस मूल अर्थ को समझिए। आपके लिए संकल्प हिंसा मात्र का त्याग है, विरोधी हिंसा के आप परित्यागी नहीं। जैन धर्म जो मूलतः अहिंसावादी धर्म है, उस जैन धर्म में भी अनेक महान योद्धा हुए जिन्होंने आतताई आक्रमणकारियों को सबक सिखाया है और लोहा लिया है। राणा प्रताप के संघर्ष में सहायता देने के लिए उनका सेनापतित्व करने वाले भामासाह, जिन्होंने एक तरफ अपना खजाना लुटाया और दूसरी तरफ भाला लेके उनके साथ आ गया है, ये कौन थे? ये अहिंसा परमो धर्म को जीने वाले थे। इसलिए अहिंसा की अवधारणा को समझाइए। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक चींटी को भी नहीं मारेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे देश पर, यदि हमारे कोई संस्कृति पर, यदि कोई हमारे धर्म पर, यदि कोई हमारे धर्मायतन पर, यदि हमारी समाज पर, यदि हमारी कुटुंब पर, या यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन पर कोई आघात पहुंचाएगा तो उसको धूल चटा सकते हैं। यह आपका कर्तव्य, यही वीरोचित धर्म है और यही अहिंसा का अभिप्रेत अर्थ है। इसे समझेंगे तो सुपरिणाम आएंगे और ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहिए। अहिंसा वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं। हम अहिंसा के इतिहास को पलट कर देखें। जैन पद्म पुराण में एक बात लिखी उत्तम जी, जैन पद्म पुराण में लिखा कि कोई योद्धा अगर रणांगण में युद्ध करने के लिए जाता है तो एक तरफ उसके स्वागत के लिए विजय का सेहरा लेकर उसकी धर्म पत्नी प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी तरफ स्वर्ग में सुरांगना यदि विजय करके लौटता है तो उसके सिर पर विजय का सेहरा उसकी धर्म पत्नी पहनाती है, और यदि वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग की सुरांगना। यह अहिंसा का अर्थ है। तो विरोधी हिंसा हिंसा नहीं है। वहाँ हम हिंसा के लिए हिंसा नहीं कर रहे, अहिंसा के लिए हिंसा कर रहे हैं। आज यदि हम अहिंसा का अर्थ ऐसा ही मानते रहें तो सीमा के सारे जवानों को हटा दे तो हमारा आपका होगा क्या? हम आप यहाँ बात कर पाएंगे? वे वहाँ अपनी जान लगाए हैं, इसलिए आज हम आप धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, हम अहिंसा की बात कर पा रहे हैं। इसलिए छात्र कर्म को अहिंसा धर्म कभी नहीं रोकता, वो कर्तव्य है। और भारत के अहिंसकों को इसका अर्थ समझना चाहिए, उसे समझाना चाहिए और वीरोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये संदेश आप लोगों के माध्यम से सब तक जाएगा और हमारी नई पीढ़ी तक ये आगे पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं पुनः चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें।